अरे भाई जनरल नॉलेज होती है, जनरल नॉलेज। मैंने क्या करना, अचार डालना ऐसे जनरल नॉलेज का है? बंदे की सुहागरात तो अपनी बीवी को पूछो डार्लिंग औरंगजेब के कितने बच्चे थे, ये कोई वक्त होता है? उस वक्त उसका अपना ध्यान होता है कि मेरे कितने बच्चे होंगे। हैं टीपू सुल्तान की तलवार, टीपू सुल्तान की तलवार 14 किलो की। अरे भाई तेरे को क्या लेना देना, तेरे पास है तो बेच के आगे जा। 25 रुपए किलो लोहा पैसे कमा। जो पता तेरी उम्र में ना लाल बहादुर शास्त्री नदी कूद के जाते थे स्कूल। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं स्कूल जाता हूँ तो नदी नहीं आती, गटर में घुस जाऊँ। मैं नहीं पढ़ा। इधर आ। जब देखो बोलते रहते हो, वो बच्चे रात को स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हैं, मोमबत्ती जगा के पढ़ते हैं, अगरबत्ती जगा के करते हैं, साले सारा दिन मोटर गश्ती करते रहते हैं, रात को ही पढ़ेंगे ना। अच्छा सुन मेरी बात, सुन ध्यान से सुन। देखिए बड़े बड़े लोग हैं, न्यूटन कितना बड़ा आदमी, क्या खोज की न्यूटन प्यूटन मेरे को मिल जाए ना, न्यूटन इसके बम पे ऐसा च्यूटन काटूंगा ना। कितनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है, कैसे सीखती है? स्कूल से सीख के आई है। और तुम? हम भी तो सीखते हैं स्कूल में, बाथरूम में जाके कैसे नाम लिखना है। तुम्हें पता है तुम्हें इसलिए सारे टीचर छोड़ के चले जाते हैं। कौन? हिंदी टीचर गया ना अभी। किसने कहा वो गया? कत्ल किया मैंने उसका। हाँ मैंने कत्ल किया उसका, मैं तो उनकी लाश उठा के खाई के नीचे फेंकने जा रहा था, लेकिन मेरे से उठाई नहीं गई क्योंकि मैं बच्चा हूं ना। तुमने ये टीचर का खून किया था? हाँ। ये कितने टीचरों का मतलब खून किया अभी तक? अरे कोई 20, कोई ज्यादा नहीं होते जूही जी। और मैंने ना मन्नत मांगी थी जिस दिन 21 हो गए ना मैं पढ़ाई किया करूंगा। इधर तो आओ सर। मैं बाथरूम होके आता हूँ। अच्छा फ्रेश होके मरना चाहते हैं? क्या बात, भाई नाश्ता की बदबू भी ना आए। अरे आओ ना सर। अरे आओ ना सर। कल क्या किया इसने? खाना खा के बाथरूम में जाके सो गया। मैंने कहा साले ये क्या कर रहा है? कहता क्या है सुबह यही तो आना है। कभी कभी सैड बहुत रहता है। इसकी ना भैंस बहुत बीमार रहती है। अब बीमारी रहेगी, ऐसे बच्चे पैदा करेगी तो बीमारी रहेगी भैया। अरे बड़ा हंस रहा है। मैं भी बाद में बताऊंगा। आपको पता है जब भी मेरी भैंस गोबर करती है ना ये ऐसे पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। मैं कहती हूँ क्यों? कहते फ्रेश मेहंदी लगाऊंगा। बड़ा हंस रहा है। हाँ इसके घर की भी बिल्ली बहुत बीमार रहती है सच्ची में। हाँ वो भी जब ऐसे बच्चे देगी तो बीमारी तो रहेगी। इसके घर के कुत्ते बहुत बीमार रहते हैं, अब समझ लो कौन क्या होते हैं। जूही जी चौक एंड डस्टर में ऐसे बच्चे हैं? चौक एंड डस्टर में ऐसे बच्चे हो ना हो, मगर ये शो जो बच्चे देखेंगे वो तो बड़े मजे लेंगे, क्योंकि I think they all want to be like this. गोलू की तरह हर बच्चा बनना चाहता है। दिव्या जी आप क्या कह रहे हैं? गोलू मेरा बच्चा है, इतने आई जरा। अन्ना मनु वड्डा करके छड़ दे। मैं मनु वड्डा करके छड़ दे। अरे मेरे को भी एक्ट में गोलू बनाओ। मैं भी गोलू बन के आऊंगा। लोलू का भी गोलू बन सकता है। अबे तेरे पे प्यार नहीं आया, दिव्या ने यही दी थी ना तो। जूही जी आपने इतने ऐड किए हैं, वो प्रोडक्ट्स बहुत बिके हैं, तो चलिए आइए देखते हैं हमारे कॉमेडी नाइट्स में आप हमारे प्रोडक्ट्स को बेच पाती हैं कि नहीं। ओह माय गॉड, आज हमारी जमीनें जायदाद बिक जाएंगी। जूही चावला, ओह
माय गॉड हाय हाय मैम आ जाओ प्लीज वरना मैं उठा के ले आऊं। अरे नहीं नहीं चलिए हो जाए प्लीज जी के लिए। अच्छा भाई अरे चलिए भाई इतनी बड़ी दुकान मेरी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। आप है दुकान की मालकिन आप सब बेचेंगी मैं अपने वो तो ही जवान बन रहा था हम बुड्ढे दादाजी को आपके पास लेके आऊंगा और मैं शॉपकीपर। अच्छा ठीक है ओए ये चूड़ियां और लवली चूड़ियां लवली लड़कियों के लिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ माल के नाइट नो कंट्रोल चला नहीं जाता लेकिन इनको देख के डांस निकल रहा है हमारा ये टेढ़ा है और तेरा है अरे क्या बेच रही हो बेटी डार्लिंग अंकल डार्लिंग मैं चूड़ियाँ बेच रही हूँ अभी तो ये चूड़ियाँ किसको पहनाऊ मैं मुझे ही पहननी है चूड़ियाँ तुम क्यों पहनोगे अरे ओ माय गॉड बुड्ढू दादाजी आप पहनोगे चूड़ियाँ अरे अब जूही चावला पहनाएंगे चूड़ियाँ का हम सलवार कमीज भी पहन लेंगे क्या फर्क पड़ता है जूही चावला है क्या बात कर रहे हो आप हटो हाउ टर्की चलो ये सब छोड़ो छोड़ो अच्छा तुम लोग ना ये साबुन ले लो कमाल का साबुन है कमाल का अच्छा मतलब क्या खुद ही चलता है बदन के ऊपर नहीं नहीं बदन के ऊपर नहीं तुम्हारी गालों पे चलेगा तुम्हारी गालें टमाटर की तरह लाल लाल हो जाएंगी अरे वाह एक मिनट दिखाइए हाँ जी लाल लाल हो लेकिन ये तो बहुत गंदा स्मेल कर रहा है भाई यही तो मैजिक है गंदा स्मेल आएगा लोग यहाँ पर आएंगे दो चार चमाट मारेंगे और आपके गाल लाल लाल हो जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं मैडम मेरा दादाजी भीड़ भड़के में ऐसी हरकतें करते हैं ना उनके चमाटे खा खा के गाले लाल हो जाती है यार। मैम आपके पास वो हैरी पॉटर वाला झाड़ू है क्यों झाड़ू से ना तसल्ली से अपने बुड्ढू दादाजी की धुलाई करनी है ओए! ठीक है फिर मैं दूसरा झाड़ू भी ले आती हूँ दोनों धुलाई करते हैं फिलहाल डब्बे से आखिरी सवाल है आखिरी सवाल अब ये कितने का है ये क्या ये अबे ये जो व्हाइट पेंट में खड़ा है ब्लैक टॉप में ये कौन ये अब तुम धुलाई छोड़ो मैं करके जोरदार ताली हो जाए जूही जी के लिए। Oh my God, sorry जूही मैम, मैं सो गया था। मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरे ऊपर मखमल की रजाई उड़ा दी। आओ मैम, मैं आपको छोड़ के आऊँ। मैं तो शौक में हूँ, शौक में। हाँ जी। ऐसे तो किसी हीरो ने मुझे इतनी देर तक उठाया नहीं, तुमने कैसे उठा लिया? और हीरो? मेरे ये सब शौक है। चलिए कृष्णा सर आगे बढ़े के फिर अथे खलो के बैठते रहोगे जी आगे बढ़ते हैं। आप रागनी एमएमएस में भूत उतारने वाली बनी थी ना हाँ जी गोलू हमारे भी यहाँ एक भूत उतारने वाले बाबा हैं हम कभी कभी उनसे कॉमेडी भी करवा लेते हैं हमारे इधर जो भूत उतारते हैं उन बाबा को बुला ले हम बिल्कुल ठीक है तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शकील अंकल और शकील आंटी का उफ बुड्ढी बुड्ढा हेलो 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 क्या हुआ भूत चढ़ गया बच्चे पे अबे तो भूत चढ़ गया बच्चा अच्छा एक काम करो एक गीला चप्पल उसके मुंह पे मारो मुंह पे मारो मुंह पे नहीं मारो अबे गलत एड्रेस नीचे मुंह नहीं होता ऊपर होता बे खुदा की कसम मेरी बीबी पे खुद भूत चढ़ाओ भाई छोड़ मेरा पीछा बंद कर कैसे हैं जूही जी अच्छे हैं जी आप ठीक है आप लोग कैसे हैं सर जी क्या बात है मैं कोई आम बाबा नहीं हूँ बॉलीवुड में चर्चा है मेरा मेरे पे तो गाने बने हैं तुझसे मिलने को दिल करता है अरे बाबा वो बाबा मैं ही हूँ आपने गाना सुना बच के रहना अरे बाबा वो बाबा मैं हूँ आप कैसी हैं दिव्या जी ठीक हूँ जी क्या बात है आप इतनी प्यारी कितनी मासूम कितनी इनोसेंट है शुक्रिया इतना रिस्पेक्ट करते हैं सब आपकी इनकी फिल्में देखी हीरो इनकी रिस्पेक्ट करता है सीन में एक सीन में देखा हीरो आगे कह रहा है बहन जी हम भाग के शादी कर लें इज्जत बहुत है ना इनकी बहुत इज्जत सरोज जी कैसी हैं आप आपने तो इतने शो जज किए माशाल्लाह से ये तो आप मैयत में जाती हैं वहाँ भी जज कर रही होती हैं लाश को कहती है ये सही नहीं मरा अगर इसका हाथ यूँ होता ना तो जन्नत में जाता
लेकिन इसका फुटवर्क बता रही है, नर्क की तरफ निकल पड़ा है ये। क्या बात है आप लोगों की, ऐसी होती हैं लड़कियां, देविया जी जैसी, जूही जी, मियां से लड़ती है मजा आ जाता है।